पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद शहर के मझोला थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राइवेट अस्पताल आरआर हॉस्पिटल के चिकित्सक पर आरोप लगा है कि नॉन कोविड मरीज को भी कोरोना संक्रमित बताकर अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। बाद में मोटा बिल बनाने के लिए उसे आईसीयू में डाल दिया, जहां मरीज की मौत हो गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नवीन नगर निवासी सिद्धार्थ मल्होत्रा के अनुसार तबियत खराब होने पर उन्होंने अपने पिता हरीश कुमार मल्होत्रा को लाइन पार में एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने उन्हें हल्का वायरल बताते हुए दवाई दे दी, जिसके बाद 1 मई को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने पिता को मझोला थाने के पास स्थित आरआर अस्पताल में भर्ती करा दिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा का आरोप है कि कोरोना की जांच किए बिना ही उन्हें अस्पताल ने कोविड आईसीयू में भर्ती कर लिया, परिवार वालों को उनसे नहीं मिलने दिया। 3 मई की सुबह 11:30 बजे उनके पिता की मौत हो गई। सिद्धांत का आरोप है कि निजी चिकित्सक ने कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी उनके पिता का कोरोना का इलाज कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस संबंध में सिद्धांत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है। मई को हमने अपने पापा को तबीयत खराब होने के कारण आरआर हॉस्पिटल के अंदर मल्टी स्पेशलिस्ट जो है भर्ती कराया था, डॉक्टर राकेश खरे जी का, जो कि गांगन स्थित है मझोला थाने के ठीक सामने। वहां पर इन लोगों ने हमारे पिताजी का किसी भी प्रकार का भली भांति कोई उनका जो है ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया, लापरवाही बहुत बरती। सीधा उन्होंने हमारे पापा का कोई एंटीजन टेस्ट नहीं कराया कोरोना का, कोई आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं कराई किसी भी प्रकार की, और सीधा इन्होंने कोरोना कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया बिना कोई जांच कराए। उसके बाद इन्होंने सीधा टोटल सारे जो है कोरोना के ही जांच करी, वो मतलब ट्रीटमेंट दिया टोटल। और कोरोना का ट्रीटमेंट देने के बाद जो है इन्होंने 3 तारीख को सुबह 3:30 बजे करीब हमसे कह दिया कि भाई ये वेंटिलेटर में हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे। 11 बजे इन्होंने सुबह को मृत घोषित कर दिया। जब इनसे इस संबंध में हमने सारे पेपर मांगे, पेपर देखे, पेपर नहीं दे रहे थे, लेकिन किसी तरीके से जब हमने पेपर इनके देखे लिए, उसके अंदर हमने देखा तो इन लोगों ने जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव लिखी हुई थी, जो कि इन लोगों ने करा ही नहीं है। इस संबंध में जब हमने 30 अप्रैल को हमने खुद जिनसे इससे पहले डॉक्टर साहब को दिखाया था, तो उन्होंने जाँचें वगैरह के लिए बताई थी, तो हमने जो है जाँच करवाई थी, सरकारी आरटीपीसीआर करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट जो है हमारे को आई मृत्यु होने के अगले दिन 4 तारीख को। तो जब 4 तारीख को रिपोर्ट आई तो हमने देखा कि वो रिपोर्ट नेगेटिव थी। इस संबंध में हमने 5 तारीख को डीके प्रेमी जी जो एसीएमओ हैं उनसे बात करी जाके कि ऐसे ऐसे ये सारी पूरी अपनी हमने बताया कि ये सारा मामला है। उन्होंने डॉक्टर आरआर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर खरे जी हैं उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि मैं आपके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, उस कि आपने ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट कराई है। तो डॉक्टर खरे जी का उनको ये कहना था कि मैंने आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं कराई है, लेकिन ये हमारी गलती से जो है आरटीपीसीआर कोविड-19 आरटीपीसीआर पॉजिटिव लिख दी गई है। तो क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी जो है बड़ी गलती, एक महामारी जो कोविड-19 चल रही है, बिना किसी प्रकार के टेस्ट कराए अपने पेपरों में डायग्नोज में लिख देगी कि जो है आरटीपीसीआर पॉजिटिव कोविड पेशेंट? तो ये तो सरासर लापरवाही है। और इन्होंने किसी भी प्रकार से हमारे पापा को सही ट्रीटमेंट नहीं दिया। साथ में ही हमारे पास एक फ़ोटो जब अंदर से आईसीयू से निकल के आई, इन लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, हमने किसी तरीके से वो फोटो ली, उसके अंदर गले में कस के पट्टी बंधी हुई थी, मुंह से झाग आ रहे थे, जिससे ये प्रतीत होता है कि इन लोगों ने गला घोट कर जो है हत्या की है। और वो फोटो मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। और उस संबंध में जब दरोगा जी की अभी हमने आईजी साहब को इसकी हमने जांच के लिए भेजा हुआ है रिपोर्ट के लिए, तो इस संबंध में मझोला थाने में ये वहाँ से ट्रांसफ़र होके आई है ऊपर से। तो यहाँ ललित चौधरी जी हैं दरोगा जी लाकड़ी चौकी पे, वो इसकी जांच कर रहे हैं। तो उनसे जब बात करी गई, दरोगा जी ने जब डॉक्टर साहब से बात करी, तो उनका ये कहना है उस संबंध में कि वो हमने जो पट्टी बांधी है वो गले में वो जबड़ा बंद करने के लिए बांधी है। तो अगर पूछा जाए जबड़ा क्या ऐसे बंद होता है
जबड़ा ऐसे बंद होता है ना, तो ये इस तरीके से, और नोट जो राउंड नोट बांधी हुई है, राउंड नोट से जाहिर सी बात है इतनी कसके नोट बांधी है कि वो जाहिर सी बात है कि लगता है कि हत्या की गई है। अब बात करें, अगर ये कहते हैं कि लूज हो गई है, इनका ये भी कहना है कि वो पट्टी लूज होके गले में चली गई, अगर लूज होके पट्टी गले में चली गई तो वो नीचे आ जाती, लटकती तो मुँह से झाग कैसे आए, और वो कसके क्यों बंधी हुई है। तो कुल मिला के ये है कि कभी प्रेमी जी हमें गुमराह कर रहे हैं, कभी ये डॉक्टर साहब उन लोग पुलिस वालों को गुमराह कर रहे हैं, मेन तथ्यों से डीके प्रेमी जी भी गुमराह कर रहे हैं, और ये डॉक्टर खरे जी भी जो है पुलिस को भी और सीएमओ साहब को भी और एसीएमओ साहब को भी, सबको गुमराह कर रहे हैं। मल्होत्रा साहब की डेथ आरआर हॉस्पिटल में होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और इसमें जांच कमेटी गठित कर जांच की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। अच्छा सर, मानते हैं कि कुछ अस्पताल उसी के उद्देश्य से जांच की जा रही है।